हेलो जी, मैं सभी का स्वागत है मेरे एक नए YouTube वीडियो में। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त इसरार और आप देखना शुरू कर चुके हैं इसरार ए टू जेड। दोस्तों, जैसा आप सभी को पता होगा, मैं आपको इस चैनल पर नौकरी के बारे में बताता हूं। हाल फिलहाल आज मैं आपको एक नई जॉब के बारे में बताने वाला हूं, एक नए नौकरी के बारे में बताने वाला हूं। ये एक तरीके से हम कह रहे हैं दिवाली धमाका। जी हाँ दोस्तों, दिवाली का ये नया मेगा हायरिंग है और मेगा धमाका हम कह सकते हैं। अगर हम बात करें क्वांटिटी और कैंडिडेट की, तो 1500 लड़कों की जरूरत है भाई, कम नहीं होते। 1500 मतलब 1500 लड़कों की जरूरत है एक मैन्युफैक्चर कंपनी में, जो कि एसी प्लांट है। एसी प्लांट है, स्टैंडिंग सीटिंग दोनों वर्क है, दोनों कंडीशन पे आपको काम करना पड़ेगा। हर क्वालिफिकेशन, हर प्रोफाइल के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकलने वाली है दिवाली के अगले दिन। जी हाँ दोस्तों, अगर जो मेरे भाई दिवाली के बाद आना चाहते हैं, वो सोचते हैं कि अभी अपने परिवार के साथ, अपने फैमिली के साथ, अपने भाईचारे के साथ, अपने बीवी बच्चों के साथ अगर वो बिताना चाहते हैं टाइम, मतलब दिवाली बिताना चाहते हैं, और दिवाली के बाद वो सोच रहे हैं कि अब हम चले दिवाली के बाद, तो ऐसे में काफ़ी अच्छा ये वीडियो होने वाला है। इस वीडियो को दोस्तों पूरा एंड तक देखना, स्किप मत करना। अगर जरा भी आप स्किप करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगी। तो बिना करे बकवास वीडियो को करते हैं फटाफट से स्टार्ट। तो जैसा कि मैं आपको दिखा दूं और बता भी दूं, अभी जो मेरे पास वैकेंसी निकल कर आई है, ये निकल कर आई है DBG टेक्नोलॉजी। इससे पहले भी मैंने वीडियो बनाई है और तकरीबन 15-20 लड़कों की ज्वाइनिंग भी हो गई। हाँ जी मेरे भाई, 15-20 लड़कों की ज्वाइनिंग हो चुकी है, बड़ी खुशी की बात है। अच्छा लगता है यार जब मेरी वीडियो से, मेरे मेहनत से किसी को नौकरी मिल रहा है, तो मुझे काफ़ी दिल से सुकून मिलता है, रियली बताओ। बस आप सभी भाइयों से हाथ जोड़ के मेरी निवेदन है कि वीडियो को आप सभी पूरा देखें, अपने फ्रेंड एंड फैमिली में शेयर करें, इतना शेयर करें कि मेरा चैनल यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया। ये जो मेहनत हो रही है मेरे भाई, ये सभी आप सभी के लिए हो रही है, इससे मेरा कोई पर्सनल लॉजिक या पर्सनल बेनिफिट्स नहीं है, है ना। तो जैसे जैसा कि मैं बता दूँ, जो कंपनी होने वाली है DBG टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होने वाली है। एड्रेस की बात करें, सेक्टर 8, है ना, प्लॉट नंबर 2, IMT बवल हरियाणा का ये होने वाला है। यहाँ पे मैं आपको शक्ति जी का नंबर दे दूंगा। शक्ति जी हैं जो कि 15-20 लड़कों का इन्होंने ज्वाइनिंग करवाया, काफ़ी अच्छा लगा। यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगा, इनका इंटरव्यू भी हो रहा है बहुत बढ़िया तरीके से, है ना, ज़्यादा टफ इंटरव्यू भी नहीं हो रहा है। और यहाँ पे मैंने बता दी बॉल हरियाणा का होने वाला है। नोट यहाँ पे कुछ चीज़ें, जैसे कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कंपनी एक बार देखकर हैंड टू हैंड आपको रिटर्न कर देगी, जमा नहीं करेगी, सिर्फ फोटो कॉपी ही जमा करेगा। बहुत सारे मेरे भाइयों को ये भी अंदर मन में रहता है कि यार ओरिजिनल लेके जा रहे हैं, फिर ओरिजिनल मेरा ये जमा करा लेंगे, है ना। जमा कोई भी कंपनी नहीं कराती भाई। देखिए किस कंडीशन में जमा कराती है, अगर आप डिप्लोमा करते हैं, अगर मेरे भाई आप डिप्लोमा करते हैं किसी कंपनी के थ्रू, तो कंपनी वाला आपका जो डॉक्यूमेंट है वो 1.5 से 2 साल जितना भी पीरियड रहे, चाहे वो 2 साल का हो चाहे वो 1 साल का, वो आपका डॉक्यूमेंट को रख लेगा। लेकिन जो कंपनियां आपको जॉब देती हैं वो कंपनियां नहीं रखती। कभी कभार क्या होता है, इन केस कभी मिस वो होता है, वर्ड्स होती है ना, मैच नहीं करता, मिस मैच होता है, तो क्या होता है कि कहता है कि भैया मैच नहीं हो रहा है, काम करो आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके आओ, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके हम मैच करेंगे, कहीं हो सकता है आप किसी और के लेके आए हो, ठीक है। तो कंपनी बहुत ज़्यादा पूछताछ करने के बाद ही ज्वाइनिंग लेती है। अब देखो मैं आपको बता दूँ, वर्क कंपनी में मोबाइल फोन की मैन्युफैक्चरिंग होती है, 12 घंटे खड़े होकर काम करना है, एसी प्लांट है, सीटिंग एंड स्टैंडिंग दोनों वर्क इसमें है, ठीक है। रूम आपका खुद रहेगा, जिसका रेंट 1200 रुपये पर पर्सन रहेगा। रूम वहाँ पे सस्ता है, वो आपको खुद लेना पड़ेगा, कंपनी प्रोवाइड नहीं करेगा, कंपनी सिर्फ एक टाइम का खाना देगी, ठीक है। और रूम आपका खुद लेना, रूम बहुत सस्ता है, 1200 रुपये में आप पर पर्सन आपका हो जाएगा। नोट, एक चीज़ नोट कर लेना, हरियाणा के नॉट अलाउड है, राजस्थान के भी नॉट अलाउड है। कम से कम 150-200 किलोमीटर दूर के बंदे रहेंगे, तो उनकी ज्वाइनिंग जो बहुत ही ईजी तरीके से, बहुत ही आराम से हो जाएगी, है ना। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना, ठीक है मेरे भाई। अब देखो क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें, तो 10th 12th ITI एंड ऑल ट्रेड, 10th 12th ITI एंड ऑल ट्रेड, और इसमें रीज्वाइनिंग, और इसमें देखो क्या क्या सुविधा है। पहले तो क्वालिफिकेशन 10th 12th प्लस ऑल ट्रेड है ITI का। कैंटीन एक टाइम खाना नाश्ता देगी, है ना। और यहाँ पे जो सैलरी होने वाली है, वो होने वाली है, सैलरी जो होने वाली है वो ग्रॉस सैलरी है 10,533 रुपये, ठीक है। अटेंडेंस अवार्ड 1500 रुपये है। नाइट शिफ्ट आपका 50 रुपये पर नाइट का है। OT 101 रुपये पर आवर्स का है, 3 घंटे पर डे चलेगी, मतलब 101 रुपये, मतलब 330 रुपये पर डे आपका, 3×9 मतलब 9,500 रुपये आपका ये महीने का एक्स्ट्रा कमाई हो जाएगा। 12 घंटे इन हैंड सैलरी आपकी होने वाली 19,500,
ये जो मैंने ग्रॉस सैलरी आपको पता 10,500 बताती थी, तो 8 घंटे की है, बट 12 घंटे की सैलरी है जो है 19,500, ये इनहैंड सैलरी आपको आएगी पीएफएसआई काटने के बाद। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है मेरे भाई। इंटरव्यू जो टाइमिंग होने वाला है वो सुबह 7:30 बजे से स्टार्ट हो जाएगा, 7:30 बजे आपको गेट पे पहुंच जाना है। शक्ति जी को आप कॉल करना, शक्ति जी का जो नंबर है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से आप डायरेक्टली उनको कॉल कर सकते हैं, ठीक है। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। ये दोस्तों काफ़ी अच्छी वैकेंसी होने वाली है, ये बवल हरियाणा का है, 12 घंटे काम करेंगे, इन हैंड आपको 19,500 दिया जाएगा। एसी प्लांट है, एक टाइम का खाना भी फ्री है, बस फ्री है, बस का कोई पैसा नहीं लगेगा, कैंटीन का जो पैसा लगेगा वो 15 से 16 रुपये लगते हैं, भर पेट आप जितना भी खाना चाहो खा लो। और अगर एज की हम बात करें, बहुत सारे हमारे ऐसे भाई हैं जो एज को लेकर बहुत ज़्यादा इशू करते हैं कि एज कितना होगा एज, तो मैं बता दूं, देखो जो फ्रेशर होते हैं ना मेरे भाई, अगर वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में काम करना चाहते हैं और फ्रेशर हैं, तो 18 से 30 लास्ट होता है, उसके बाद 18 से 30 के बाद अगर वो एक्सपीरियंस हैं तो 35 40 तक भी ले लेते हैं, बट ज़्यादातर कंपनियां 18 से 30 ही लेती हैं, ये चीज़ आप माइंड में रख लेना, ठीक है। लेकिन इसमें जो एज की क्राइटेरिया है वो है 18 से 30 क्राइटेरिया है आपका, और अगर 18 से 30 है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, आपको जॉब मिल जाएगी, जॉब की गारंटी आपका भाई इसराल लेता है, क्योंकि बहुत सारे भाइयों को मेरे वीडियो के माध्यम से इस कंपनी में जॉब मिला है। मैं बाकियों की नहीं, वैसे पर डे तो मैं वीडियो बनाता था, पर डे पता नहीं कितनों की, बट जो इसका डाटा मेरे पास है मैं आपको बता दूँ, जितने भी हमारे भाई कहते हैं 15 से 20, उन सभी की ज्वाइनिंग हो गई है, रूम वगैरह भी मिल गया है, काफ़ी अच्छा लग रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, हमारी जो भी जॉब रहती है दोस्तों फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है। देखिए सबसे पहले क्या होता है, पहले आप स्टार्ट करिए, पहले आप सैलरी के पीछे मत जाओ कि सैलरी कम है या सैलरी ज़्यादा है, पहले स्टार्ट हम करते हैं, फिर हमारे पास एक्सपीरियंस हो जाता है, फिर जब हमारे पास एक्सपीरियंस हो जाएगा तो अच्छी खासी हमारे को मोटी रकम मिलेगी। कंपनी क्यों एक्सपीरियंस वाले बंदों को सैलरी ज़्यादा देती है, उनको काम करने का तरीका पता होता है, एक्सपीरियंस वाले बंदे में और एक्सपीरियंस वाले बंदे में और डिग्री वाले बंदे में ज़मीन और आसमान का फर्क है। किसी एक बंदे के पास बहुत सारी डिग्री है, किसी एक बंदे के पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है, उसको काम करने का तरीका पता है, तो डिग्री वाले को तो कम सैलरी मिलेगी, लेकिन जिसके पास एक्सपीरियंस है ना भाई उसको ज़्यादा सैलरी मिलेगी, ये आपको भी पता होगा, हमें भी पता है। देखिए कुछ हमारे भाई ऐसे भी कहते हैं कि कंपनी अच्छी नहीं, मेरे भाई देखो ताली जो है ना दोनों हाथ से बजती है, ऐसा नहीं कंपनी खराब होती है, कोई भी कंपनी नहीं खराब होती है, वहाँ की मैनेजमेंट भी उतनी खराब नहीं होती। देखिए तालियां मैंने बताया दोनों हाथ से बजती है, जितना कंपनी अगर गलत होती है उतना कैंडिडेट भी गलत होते हैं, इसका मतलब यह है कि दोनों को एडजस्ट करके चलना पड़ेगा, कंपनी को भी और कैंडिडेट को भी, कंपनियां खराब होती हैं तो कैंडिडेट भी खराब होते हैं। मेरे भाई मेहनत करने वाली कभी हार नहीं होती, एक बार ध्यान रखना, अगर आप कंपनी को टाइम देंगे तो कंपनी आपको टाइम देगी, कंपनी आपको एक्सपीरियंस लेटर भी देगी, कंपनी में आपको कुछ सीखने को मिलेगा साथ ही। कब सबसे पहले आप ये देखो कि आप किसी भी कंपनी में जाओ तो आप ये मत सोचो मैं कमाने की नीयत से जा रहा हूँ, आप ये माइंड में रख लो कि हम कुछ सीखने की नीयत से इस कंपनी में हैं, हमें कंपनी कुछ सिखा के यहाँ से भेजेगी। अब ये मत सोचो कि हमें 10 दिन करना, पैसे लेंगे और फुल, तो ऐसे में लाइफ नहीं मिलेगा। किसी भी कंपनी को आप ज्वाइन करो तो उसमें कम से कम नहीं तो 1 साल 6 महीने तो वर्क करो बढ़िया तरीके से, उसके बाद जो कंपनी का जो मैनेजमेंट है, कंपनी में काम कैसे होता है, सब कुछ आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा, और कहीं भी आप मात नहीं खाएंगे दोस्तों। ये चीज़ आप पॉकेट में रख लो, ये बहुत रखने वाली चीज़ है। तो अभी मैं आपको तो बता दूँ, DBG कंपनी टेक्नोलॉजी में कंपनी में हायरिंग है, 1500 लोगों की ज़रूरत है, Sector 8 Plot No. 2 IIMT बवल हरियाणा का होने वाला, एज 18 से 30 है, क्वालिफिकेशन 10-12 ITI एंड ऑल ट्रेड, ITI का ऑल ट्रेड है, 12 घंटे ड्यूटी है, 19,500 इनहैंड PFSI काटने के बाद, रूम भी आपको मिल जाएगा, रहने खाने की सारी सुविधा, बस फ्री है। तो उम्मीद करता हूँ आज की हमारी वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी, हमारे वीडियो आपको पसंद आई तो एक लाइक करना, चैनल पर ना हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस करना। चलिए मिलते हैं नई वीडियो में, नया नाम से रखिएगा अपना ख्याल, नई वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।